सो भाई कि आपको PS5 मिल गया अभी। तो गाइस मुझे मालूम है आप सब अभी भी PS5 खरीदने का ट्राई करते रहते होंगे यार। PS5 एक ऐसा हो गया एक्सक्लूसिव कंटेंट कि यार सबके पास PS5 जरूर होना चाहिए। और गाइस मैं आपका ये मिथ क्लियर करने वाला हूँ, अगर आपके पास PS5 भी नहीं है ना तो आप PS4 प्रो में भी ना PS5 जैसी गेमिंग कर सकते हैं। सो भाई आज हम आपको ना यार इनका लाइव कंपैरिजन दिखाने वाले हैं, और मैं आपको एक चैलेंज कर सकता हूँ कि आप ना दोनों फुटेज में से मुझे बताना कि कौन सी PS5 है और कौन सा PS4 प्रो है, क्योंकि मेरे पास दोनों कंसोल पड़े हुए हैं इधर और मैं आपको अभी लाइव कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। सो भाई ये था हमारा गेम प्ले GTA 5 का PlayStation 5 में और PlayStation 4 Pro में। एंड मुझे पता है यार आप में से काफ़ी लोगों ने बता दिया होगा सही ऑप्शन, कि जो ऑप्शन ए है वो है PlayStation 5 और जो ऑप्शन बी है वो है 4 Pro। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इसको मतलब लाइव खेल रहे होते हैं गेम को, मतलब दोनों कंसोल्स पे, चाहे वो PlayStation 5 हो गया चाहे वो PlayStation 4 Pro हो गया, तो आपको इतना डिफरेंस नहीं पता लगेगा। बट आप ऑल ऑफ सडन मतलब PlayStation 5 से PlayStation 4 Pro पे स्विच करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है, बट इतना ज़्यादा कोई इसमें वास्ट डिफरेंस नहीं है। और अब हम बात करते हैं हार्डवेयर कंपेरिजन की। सो गाइस अगर हम बात करें PS5 की, तो PS5 में लगा है 8X Zen 2 कोर्स एट 3.5 GHz और PS4 Pro में लगा हुआ है 2.1 GHz का 8 कोर AMD Jaguar। एंड अगर हम बात करें GPU की, तो GPU लगा हुआ है PS5 में 10.28 Teraflops का और PS4 Pro में लगा हुआ है 4.2 Teraflops का। अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो PS5 में आती है 825 GB SSD और PS4 Pro में आती है 1 TB SSD। एंड अगर हम बात करें इन दोनों के कंट्रोलर्स की, तो जो PlayStation 5 के साथ में आता है वो ड्यूल सेंस है, काफ़ी एडवांस कंट्रोलर है, इसमें हैप्टिक फीडबैक, एडेप्टिव ट्रिगर्स, बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं गाइस। जब आप इनको यूज़ कर रहे होंगे तो आपको फील होगा कि ये जो कंट्रोलर है बहुत ही कमाल का है। और जो पुराने वाला हमारा कंट्रोलर आ रहा है PS4 Pro के साथ में, वो तो पुराना ही है, आपको मालूम होगा, आप सब ने इसमें ज़रूर गेमिंग करी होगी, इसमें कुछ खास ज़्यादा एडवांस नहीं है। बट जो उसकी जो मोटर्स वाइब्रेशन है, इसको ड्यूल शॉक कंट्रोलर इसलिए कहते हैं इसमें, क्योंकि दो मोटर्स लगे हुए हैं। और बट स्टिल ये कंट्रोलर भी काफ़ी हैंडी है और काफ़ी अच्छा है। बट मुझे जो मेरा PlayStation 5 का कंट्रोलर है उसमें मुझे क्या गलत लगा, एक्चुअल में जो इसका जो वाइट कलर है ना, वो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। अगर आप मतलब इसके पीछे पैटर्न बने हुए हैं, अगर ये मेरा कैमरा फोकस कर पा रहा होगा इसको, मुझे लगता नहीं है कर पाएगा। इसमें बहुत सारे डब्बा बॉक्स OX बने हुए हैं, तो यार वो सारे ना, पता है क्या होता है जब आप इसको काफ़ी टाइम से गेम खेल रहे हो ना इस पे, इसको मतलब पकड़ के, तो वो ना मतलब सारी डस्ट ना यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है कंट्रोलर यार। सो गाइस अगर हम बात करें प्राइस की, जो PS5 का प्राइस होने वाला है न्यू का वो है 55,000, और जो PS4 Pro है हमारा, अभी ये न्यू नहीं आ रहा है, डिसकंटिन्यू हो चुका है ये बाय सोनी। सो आपको ये रिफर्बिश मार्केट में मिल जाएगा, आप अपने लोकल स्टोर या OLX वगैरह पे चेक कर सकते हैं, ये आपको 22 से 25,000 तक का मिल जाएगा। और जो ये प्राइस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं क्योंकि यार ये मार्केट पे डिपेंड करता है। सो कंक्लूजन हमारा वीडियो का ये है, अगर आपके पास पैसा है और आप वेट भी कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली PS5 का वेट कर सकते हैं। बट गाइज अगर आपके पास इतना बजट नहीं है अभी PS5 को खरीदने का, क्योंकि यार अभी PS5 का रेट भी 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, तो आप अभी PS4 Pro के साथ जा सकते हैं। सो गाइस वैसे देखा जाए ना यार, जो PS4 Pro है और जो PS5 है उसमें ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, और जब आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे ना यार, फिर तो आप मतलब बता भी नहीं सकते कि यार कौन सा PS5 है और कौन सा PS4 Pro है। लेकिन गाइस अगर आपके पास 55 इंच का कोई सोनी का TV है यार, OLED स्क्रीन है जिसमें, और 120Hz रिफ्रेश रेट है, तो क्या बात है यार, मतलब फिर तो आपको यार PS5 ले लेना चाहिए, क्योंकि यार जो उसके साथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है ना यार, वो तो इतना ब्रिलियंट है ना यार, तो
आंखें बंद करके अगर आपके पास इतने बड़े डिस्प्ले है तो आप PS5 के साथ जा सकते हैं। बट गाइज अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, अगर आपका बजट अभी कम है, तो आप डेफिनेटली PS4 Pro के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो PS4 Pro है ना वो भी आपको मतलब 60 FPS की गेमिंग देता है, वो भी 4K में। सो गाइस चलो रैपअप करते हैं वीडियो को यार, वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर यार आपको थोड़ा सा अप्रिशिएशन दिखाना है यार भाई को, तो यार मतलब यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यार। तो दैट्स इट गाइस, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस पीस आउट एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ।